हमारी सभी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाएं। हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ गौर, फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ अकाउंट्स का जनरल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर अपना नेक्स्ट अपडेट वीडियो। और मेरा आज का वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ इशू ऑफ शेयर। जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक्स है इंट्रोडक्शन ऑफ इशू ऑफ शेयर। फ्रेंड्स, ये मेरा 11th 12th के अकाउंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर है। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आप हमें ऐसे वीडियो दिखाइए, तो मैंने अपने बहुत से जनरल एंट्री के ऊपर अपने वीडियो बनाए हैं। और आज का भी मेरा कुछ इसी से रिलेटेड वीडियो है, जिसमें मैंने आज का टॉपिक चुना है इंट्रोडक्शन ऑफ इशू ऑफ शेयर, जो कि 11th 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और फ्रेंड्स, क्या होता है इशू ऑफ शेयर, हम आज आपको बताएंगे इशू ऑफ शेयर की जरूरत क्यों पड़ती है, कौन सी कंपनी अपने शेयर इशू कर सकती है और कौन सी नहीं कर सकती। नंबर 3, नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशंस कैसे की जाती है और शेयर किन किन कंडीशनों पे इशू किए जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम आपको समझाएंगे एक एग्जांपल से। फ्रेंड, सबसे पहले बात हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इशू ऑफ शेयर में, कंपनी कौन कौन सी कंपनी शेयर इशू करती है। तो यहां पे जब फ्रेंड्स बात आती है कंपनी की तो यहां कंपनी की यदि बात करें तो फ्रेंड्स यहां पे कंपनी में सबसे पहले एक है पब्लिक कंपनी और दूसरी होती है प्राइवेट कंपनी। अब मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर की कंडीशंस में इस कंपनी में दोनों कंपनियों के अंदर मैं बताऊंगा कौन सी कंपनी शेयर के लिए इनवाइट कर सकती है पब्लिक को और कौन सी नहीं कर सकती। तो हम यदि बात करें पब्लिक कंपनी की, तो ये अपने शेयर के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। जी हाँ, कर सकती है। तो यहां पे यदि मैं बात करूं कि यह इनवाइट कर सकती है पब्लिक को शेयर के लिए, लेकिन ये इनवाइट नहीं कर सकती। तो प्राइवेट कंपनी का जहां तक केस है, प्राइवेट कंपनी शेयर के लिए अपने शेयर इशू करने के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, जबकि ये पब्लिक कंपनी अपने शेयरों के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब हम जानेंगे एक पब्लिक कंपनी को लेकर किस तरह से शेयर इशू किए जाते हैं। अब मैं यहां पे बात करूंगा अपने इस वीडियो में पब्लिक कंपनी की। तो पब्लिक कंपनी किस तरह से अपने शेयर इशू करती है, क्यों करती है, ये भी जानेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लेट सपोज कर लेते हैं, मैं यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं, कोई कंपनी एबीसी, हम एबीसी कंपनी ले लेते हैं। सपोज कीजिए लेट एबीसी, कोई एबीसी कंपनी है, लेट एबीसी कंपनी इसको रिक्वायर्ड है, जी हां, कैपिटल रिक्वायर्ड इसे कैपिटल की रिक्वायर्ड है, वो भी 5 लाख की। फ्रेंड, ध्यान देने की बात है, एक कंपनी एबीसी है, उसको कैपिटल की जरूरत है, वो भी 5 लाख की। अब ये 5 लाख की जरूरत को वो किस तरीके से पूरा करेगी, यानी कि यदि हम ध्यान दें, वो अपनी इस 5 लाख की कैपिटल्स को कैसे पूरा करेगी, इसके लिए वो पब्लिक को इनवाइट करेगी शेयर के लिए। जी हाँ, अपने शेयरों के लिए, अपने शेयर्स के लिए वो पब्लिक को इनवाइट करेगी। और वो जब पब्लिक को शेयर के लिए इनवाइट करेगी, तो अपने शेयरों को, जो उसके शेयर हैं, उसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर देगी। यानी कि यदि कंपनी कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट्स के लिए हम यहां पे देखें कि वो जो शेयर इशू करती है, शेयर इशू इन स्मॉल पार्ट, छोटे छोटे स्मॉल शेयरों में उसको डिवाइड कर देती है।
और यहां पे जो स्मॉल शेयरों की, ये उसके स्मॉल शेयर होते हैं, उसकी जो वैल्यू लगाती है, वैल्यू उन शेयरों की वैल्यू, वो डिसाइड कुछ भी कर सकती है, लाइक 10 रुपीज, 20 रुपीज, 90 रुपीज या 100 रुपीज। यानी कि वो अपने छोटे छोटे शेयरों की वैल्यू 10 रुपए, 20 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए कुछ भी रख सकती है। यहां वो अपनी वैल्यू कुछ भी डिसाइड कर सकती है उन शेयरों की, लेकिन वो अपने शेयरों को, जो भी उसके शेयर जो इशू करने जा रही है, उसको वो छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर देती है। कहने का मतलब ये है मेरा कि वो अपनी कैपिटल्स को पूरा करने के लिए जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको वो छोटे छोटे शेयरों में डिवाइड कर देती है, और फिर उनकी वैल्यू वो अपने अनुसार जो भी सूटेबल्स होता है, 10 रुपए के पर शेयर, 20 रुपीज पर शेयर या 90 रुपीज या 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड करती है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि नंबर ऑफ शेयर जो उसके हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। यानी कि यहाँ पे कैपिटल रिक्वायर तो हमें पता है कि कंपनी को 5 लाख की कैपिटल की रिक्वायर्ड है। अब इसके लिए वो कितने शेयर इशू करेगी पब्लिक में कैसे पता चलेगा, तो चलिए उसकी भी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं कैलकुलेशन फॉर नंबर्स ऑफ शेयर। किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन निकलेगी, शेयर कितने शेयर चाहिए कंपनी को इश्यू करने के लिए। तो यहां पे सबसे पहले इसका छोटा सा फ्रेंड्स फंडा है, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड या कह सकते हैं रिक्वायर्ड टोटल अमाउंट डिवाइडेड अमाउंट ऑफ वन नंबर ऑफ शेयर। यानी एक शेयर का जो अमाउंट है उसको जितना भी हमें अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको हम आपस में डिवाइड कर देंगे। यानी कि जितने अमाउंट्स की रिक्वायर्ड है, सपोज कीजिए मुझे यहाँ ABC कंपनी को रिक्वायर्ड है 5 लाख की, तो इस 5 लाख को डिवाइड क्या कर दिया जाएगा, जो भी हमने वन नंबर शेयर का अमाउंट डिसाइड किया होगा। सपोज कीजिए मैंने एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज डिसाइड की है, तो यहाँ पे फिर वन नंबर ऑफ शेयर का जो अमाउंट है यानी कि 10 रुपीज जो मैंने डिसाइड करी उससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा और जो निकल के आएगा यानी कि 50,000 फ्रेंड्स, ये मेरे होंगे नंबर्स ऑफ शेयर। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिए 50,000 शेयर, ये मेरे 50,000 जो हैं ये मेरे शेयर हैं जिसकी मैंने कैलकुलेशन की। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि कंपनी कौन कौन से इशू करती है शेयर। यहां दो तरह की कंपनियां होती हैं, बात करें पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयरों के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी शेयर के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। और पब्लिक कंपनी की यदि हम बात करें तो मैंने यहाँ बताया आपको एग्जांपल से कि सपोज ABC कोई कंपनी है, उसको कैपिटल की जरूरत हुई और उस कैपिटल की रिक्वायर्ड पूरी करने के लिए कंपनी शेयरों को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर देती है और उसकी वैल्यू को डिसाइड करती है 10 रुपीज, 20 रुपीज, जो भी सुटेबल होती है कंपनी के लिए, 100 रुपीज पर शेयर जो भी डिसाइड करती है। लेकिन अब कितने शेयर उसको कैसे पता लगेगा, कितने शेयर को हमें इशू करना पब्लिक में, तो उसके लिए छोटा सा सिंपल फार्मूला है, जितनी टोटल कैपिटल जो उसको रिक्वायर्ड है उसको हम डिवाइड कर देंगे वन नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू से जो हमने डिसाइड किया। सपोज कीजिए मैंने 10 रुपीज डिसाइड की, तो मैंने 10 से डिवाइड किया है, तो जो निकल के आ जाएगा वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, यानी कि 50,000 शेयर्स कंपनी इशू करेगी ABC पब्लिक को। जी हाँ, और इसी के लिए वो इनवाइट करेगी पब्लिक को अपने 50,000 शेयर को इशू करने के लिए। लेकिन वो इन शेयरों को इशू करेगी 50,000 शेयरों को स्मॉल शेयरों में, एक व्यक्ति को भी 50,000 शेयर इशू नहीं करेगी, स्मॉल पार्ट में, छोटे छोटे पार्टों में इशू करेगी, उनकी वैल्यू डिसाइड करेगी 10 रुपीज, 20 रुपीज, 90, जो भी कंपनी का रेट होगा, जो भी कंपनी के कमेटी या चेयरमैन या डायरेक्टर जो डिसाइड करेंगे उस वैल्यू के अनुसार कंपनी
पर शेयर की वैल्यू रखते हुए 10 रुपीज पर शेयर, 20 रुपीज पर शेयर, जो भी होगा उसके अनुसार वो इश्यू करेगी शेयर और उसी के लिए वो पब्लिक को इनवाइट करेगी। क्या प्रोसीजर होता है पब्लिक कंपनी के अंदर एक शेयर के, यानी कि अपने शेयरों को इश्यू करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करने का? चलिए फ्रेंड्स फिर देखते हैं हम फिर कंपनी किस तरीके से, क्या प्रोसीजर होता है कंपनी का इश्यू ऑफ शेयर के लिए आगे बढ़ने का प्रोसीजर। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो प्रोसीजर है, चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। मैंने एग्जाम्पल की बात की थी तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। ये एक ABC कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी, हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जैसा बताया प्राइवेट कंपनी अपने शेयर के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, तो हम यह बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी का। पब्लिक कंपनी ABC है और इस ABC को हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पब्लिक कंपनी, तो ABC कंपनी है और वो अपने शेयर इशू करती है, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू करती है फॉर कैपिटल अरेंज, फॉर अरेंज ऑफ कैपिटल। जैसा मैंने बताया था कि कैपिटल अरेंज करने के लिए ही कंपनी अपने शेयरों को इश्यू करती है। और कंपनी यहां पे सपोज करते हैं 5 लाख कैपिटल रिक्वायर्ड्स के लिए, यानी कि अपने 50,000 शेयर जो मैंने कैलकुलेट किए थे, 50,000 शेयरों को हम लेके चलते हैं कि 50,000 शेयर्स के लिए सपोज करिए कंपनी ने अपने वो 50,000 शेयर, जिसके शेयर से 50,000 शेयर, इनको वो इशू कर देती है, इशू एट द रेट 10 रुपीज ईच। यानी कि कंपनी यह डिसाइड करती है कि 50,000 शेयरों को बेच दिया जाए 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो यहां पे मैं फ्रेंड सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कंपनी ने डिसाइड किया है 1 शेयर 10 रुपीज का, 50,000 शेयर इशू कर रही कंपनी 10 रुपीज ईच शेयर, तो जो ईच शेयर की जो वैल्यू लगाई है कंपनी ने यहां पे 10 रुपीज पर ईच शेयर, तो ये जो 10 रुपीज है ये कहलाती है हमारी फेस वैल्यू। जी हाँ, ये ही कहलाती है हमारी फेस वैल्यू, जिसे हम F.V भी कह सकते हैं, यानी कि फेस वैल्यू। तो यहां से आपको पता चल गया होगा फ्रेंड फेस वैल्यू क्या होती है। कंपनी जो अपने शेयर इशू करती है उसको इशू करने पर जब वो अपने पर शेयर की जो कॉस्ट डिसाइड करती है, पर शेयर की जो वैल्यू डिसाइड करती है, यानी कि जैसे यहाँ पे 10 रुपीज ईच शेयर डिसाइड किया गया है, एक शेयर की कॉस्ट यहाँ पे 10 रुपीज डिसाइड की गई है, तो वो 10 रुपीज कहलाता है फेस वैल्यू। अब बात आती है कि कंपनी किस तरीके से, क्या प्रोसीजर होता है कंपनी का इश्यू ऑफ शेयर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, यानी ABC कंपनी, तो ये जो ABC कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इशू करती है एप्लीकेशन फॉर्म। और जब ये एप्लीकेशन फॉर्म इशू करती है तो इसको फिलअप करने के साथ साथ इसकी फीस भी होती है। जी हाँ, एप्लीकेशंस की फीस भी डिसाइड करती है, और जो एप्लीकेशंस की फीस डिसाइड करती है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जो एप्लीकेशन की फीस डिसाइड करती है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के साथ, आफ्टर फिल एप्लीकेशन फॉर्म मनी, यानी कि एप्लीकेशन मनी कह सकते हैं, एप्लीकेशंस मनी रिसीव्ड मनी, या हम इसको ये भी कह सकते हैं रिसीव्ड मनी ऑन एप्लीकेशन,
received money on applications. तो ये कुछ फीस होती है applications फॉर्म भरने के साथ, जो कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म जब फिलअप करवाती है तो उसके ऊपर रिसीव करती है. और जब कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म इश्यू कर लेती है, उसको फिल कर दिया जाता है जब पब्लिक के द्वारा, और जब पब्लिक उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करती है तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ मनी भी रिक्वायर्ड होती है, कुछ अमाउंट्स की भी रिक्वायर्ड होती है उसके ऊपर, जिसे कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो भी अप्लाइकेंट भरता है उसके साथ वो प्राप्त करती है मनी. यानी कि एप्लीकेशन के ऊपर भी कंपनी अमाउंट्स को प्राप्त करती है, रिसीव करती है. अब यहाँ पे बात ये आती है फ्रेंड्स कि यदि कंपनी एप्लीकेशन के ऊपर भी अमाउंट रिसीव करती है तो फिर क्या वो पूरी वैल्यू रिसीव करती है शेयर्स की? सपोज कीजिए मैंने बताया कंपनी ने एक शेयर 10 रुपए का डिसाइड किया, तो वो उसको किस तरीके से पब्लिक से रिसीव करती है? तो यहाँ पे मैंने जैसा बताया कि सबसे पहले उसने एप्लीकेशन फॉर्म इश्यू किया, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद कंपनी उस पर कुछ अमाउंट जो उसने डिसाइड किया होता है वो रिसीव करती है. अब ये कितना अमाउंट्स है, कितना अमाउंट्स वो एप्लीकेशन पर रिसीव कर रही है? अगर 10 रुपीज पर शेयर है तो क्या उसने 10 रुपीज पूरे प्राप्त कर लिए? तो यहाँ पे कंपनी कुछ दो तरह के केस फॉलो करती है, हम उसी को समझाना चाहेंगे. तो यहाँ पे कंपनी कुछ दो तरह के केस फॉलो करती है. केस वन क्या है फ्रेंड्स? केस वन है फुल वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि जितनी भी शेयर की कीमत वैल्यू डिसाइड की गई है, यानी कि 10 रुपीज पर शेयर, यदि कंपनी एप्लीकेशन पर 10 रुपए पूरे प्राप्त कर लेती है, यानी कि 10 रुपए का एक शेयर है, एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त हुआ उसे और उसने पूरे प्राप्त कर लिए, तो वो कहा जाएगा फुल वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि जितने के शेयर थे उतना उसने प्राप्त कर लिया, वो भी एप्लीकेशन के ऊपर प्राप्त कर लिया, तो फिर वो कहलाता है फुल वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू. यानी कि 10 रुपए के ऊपर 10 रुपए का जो शेयर डिसाइड था उसने 10 के 10 रुपए प्राप्त कर लिए, तो वो कहलाएगी फुल ऑफ फेस वैल्यू. और इसको हम कह सकते हैं लमसम भी, लमसम. केस टू की बात करें, क्या है केस टू? तो पार्ट ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपए का शेयर है कंपनी का, यदि कंपनी 1 रुपए या 2 रुपए जो भी है वो एप्लीकेशन पे प्राप्त करती है, जो इसका एप्लीकेशन अमाउंट है, बाकी के वो इंस्टॉलमेंट पे प्राप्त करती है, नहीं पार्ट वाइज, इसीलिए मैंने लिखा है द पार्ट ऑफ फेस वैल्यू. फेस वैल्यू मैंने बताया था क्या होती है, यानी कि पर शेयर जो वैल्यू है वो कहलाती है फेस वैल्यू. और उस फेस वैल्यू में यदि पार्ट में प्राप्त करती है, जिसे हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं, इंस्टॉलमेंट से मेरा मतलब है यदि फेस वैल्यू यहां 10 रुपीज है, ₹10 है ई शेयर, और कंपनी उसे एप्लीकेशन में प्राप्त करती है 1 रुपीज, अलॉटमेंट में प्राप्त करती है 2 रुपीज, यानी कि इस तरह वो टुकड़ों में प्राप्त करती है पैसा, तो फिर वो कहलाता है इंस्टॉलमेंट, यानी कि पार्ट ऑफ फेस वैल्यू. इन दो केसों में से किसी एक केस को फॉलो करती है कंपनी इश्यू ऑफ शेयर के पैसे जब वो रिसीव करती है. तो यहां पे कुछ इस तरीके से प्रोसीजर्स होता है कंपनी का शेयर इश्यू करने का. अब हम आपको ये भी बताएंगे कि कंपनी ये जो रूल्स फॉलो कर रही है, फुल वैल्यू फेस वैल्यू या पार्ट ऑफ फेस वैल्यू, जिस तरीके से भी वो पेमेंट रिसीव करती है अपने शेयरों पर, तो आगे हम ये देखेंगे कि वो अपने शेयरों को किन किन कंडीशनों के ऊपर इश्यू करती है. यहां मैंने बात की थी पेमेंट्स रिगार्डिंग कि कंपनी किस तरीके से प्राप्त करती है अपने शेयरों का अमाउंट, या तो वो फुल वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू प्राप्त करेगी, यानी कि जितना डिसाइड किया गया है 10 रुपए के शेयर के लिए भी एप्लीकेशन फिलअप की गई है उसको पूरे 10 के 10 रुपए प्राप्त हो गए फेस वैल्यू, तो वो कहलाती है लमसम.
और यदि फेस वैल्यू का उसे पार्ट वाइज रिसीव होता है, यानी कि 10 रुपये पर शेयर है, 1 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 रुपये अलॉटमेंट पे, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 4 रुपये सेकेंड फाइनल कॉल पे, इस तरह से इंस्टॉलमेंट में उसे पैसा प्राप्त होता है, तो वो कहलाती है पार्ट ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि इंस्टॉलमेंट। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी जो है अपने शेयरों को इश्यू करती है, किन किन कंडीशनों के ऊपर। तो कंडीशंस जानेंगे, वो केस जानेंगे कि कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है तो कौन से 3 केस हैं जिसके आधार पर वो अपने शेयर को इशू करती है। आइए चलिए देखते हैं कंपनी किस तरह से अपने शेयर को इशू करती है, किन किन कंडीशनों के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे केस 1। हम इसको कुछ इस तरह से फॉर्मेट से समझते हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर हम कुछ केस रखेंगे जिसके हेल्प से हम आपको बताएंगे कि कंपनी किन किन केसों में इशू करती है अपने शेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे केस 1। यहां पे 3 केस हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। ये 3 केस हैं जिनके आधार पर कंपनी अपने शेयर इशू करती है पब्लिक में, एक पब्लिक कंपनी। किस तरह से हैं ये केस, समझते हैं हम इन केसों को। सबसे पहले बात करेंगे हम केस 1। फ्रेंड, केस 1 क्या है? केस 1 है फुल फेस वैल्यू का। जी हाँ, यानी कि यदि कंपनी, मैं इस पे जाने से पहले एक चीज आपको और समझाना चाहता हूं कि जब भी कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो हो सकता है कि वो अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पर बेच दे अपने शेयरों को, या फेस वैल्यू से कम पर भी बेच सकती है, या हो सकता है फुल फेस वैल्यू पर बेच दे। तो 3 केस हमारे कुछ ऐसे ही हैं। केस 1 फुल फेस वैल्यू का है, केस 2 हमारा है जब कंपनी अपने फेस वैल्यू से ज्यादा पर बेच दे अपने शेयर को, और केस 3 है जब कंपनी अपने शेयरों को फेस वैल्यू से कम पर बेच। तीनों ही केस हम समझेंगे। तो सबसे पहला केस ये है कि यदि कंपनी 10 रुपये का शेयर, यानी कि शेयर ₹10, यानी 10 रुपीज का शेयर, और 10 रुपीज में ही 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में ही बेच देती है, तो वो कहलाता है एट पार। एट पार, फ्रेंड ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बताया आपको। यदि कंपनी अपने 10 रुपये के शेयर को 10 रुपये के शेयर पर ही बेच देती है, फुल फेस वैल्यू जिसे कहते हैं, फुल फेस वैल्यू। फ्रेंड्स, मैंने कहा था इसे हम यहां पे समझाना चाहेंगे कि जो कंपनी 10 रुपये का शेयर था और उसे 10 रुपये के शेयर पे ही उसने सेल कर दिया, डॉट कर दिए, तो वो कहलाएगा एट पार। ठीक, केस 2 में यदि हम बात करें, यदि कंपनी 10 रुपये पर शेयर को सेल करती है शेयर ₹12, यानी कि 10 रुपये के शेयर को सेल कर देती है कंपनी, बेच देती है 12 रुपये पर शेयर से। फ्रेंड्स, ये जो 10 रुपये पर शेयर है ये इसकी फेस वैल्यू है, और क्योंकि यहां पे कंपनी अपनी फेस वैल्यू के बराबर सेल कर रही है, यानी कि फेस वैल्यू के बराबर उसने बेचा है अपने शेयरों को, यहां पे कंपनी अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पर बेच रही है अपने शेयर्स, और क्योंकि यहां पे कंपनी हम देख रहे हैं कि ज्यादा पर बेच रही है, तो हम यहां ये देखेंगे कि ये जो है ग्रेटर होगा, फेस वैल्यू से ज्यादा पर सेल हो रही है, और यदि कंपनी 10 रुपये के शेयर 12 रुपये पर शेयर बेच रही है तो ये कहलाएगा हमारे लिए एट प्रीमियम पर, एट प्रीमियम पे। तो इसे हम कहेंगे कि कंपनी प्रीमियम पर अपने शेयरों को इश्यू कर रही है। तीसरी कंडीशन से यदि बात करें, कंपनी शेयर
10 यानी जो उसकी फेस वैल्यू है वो उससे कम पर शेयर अपने सेल कर रही है, यानी कि सपोज करें 9 रुपीज, 10 रुपए का शेयर था, 9 रुपए पर वो अपने शेयरों को इश्यू कर रही है, तो वो कहलाएगा एट डिस्काउंट, यानी कंपनी डिस्काउंट पर अपने शेयर इश्यू कर रही है। ये 3 कंडीशंस हैं फ्रेंड्स, इनको समझना बहुत जरूरी है। यहां पे मैंने बताया फर्स्ट कंडीशन है फुल फेस वैल्यू की, सेकंड कंडीशन है जो फुल फेस वैल्यू कंडीशन है उसको हम कहेंगे एट पार, यानी कि 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 10 रुपए शेयर में अलॉट कर दिया, इसे कहा जाता है एट पार, यानी कि कंपनी ने अपने इशू ऑफ शेयर किए हैं एट पार पे। यहां पे यदि कंपनी 10 रुपए के शेयर अपने 12 रुपए पर सेल करती है, 12 रुपए पर शेयर पे, तो फिर इसका मतलब है कंपनी अपने फेस वैल्यू से ज्यादा पर सेल कर रही है अपने शेयर को, तो वो कहा जाता है एट प्रीमियम। ठीक तीसरे केस में हम बात करें कंपनी 10 रुपए के शेयर को अपने जो फेस वैल्यू है उसकी उससे कम पर बेच रही है अपने शेयर, यानी 9 रुपए पर शेयर में बेच रही है, तो फिर उसे कहा जाता है एट डिस्काउंट। डिस्काउंट की बात करें तो फ्रेंड्स इस केस में हम जानेंगे कि ये अब अवेलेबल नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कंपनी एक्ट 2013 में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर अपने शेयरों को इश्यू नहीं कर सकती। तो यहां पर कहते हैं कंपनी एक्ट 2013 एनी कंपनी नॉट इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, यानी कोई भी कंपनी 2013 कंपनी एक्ट के अनुसार, अब 2013 में जो कंपनी एक्ट आया है 1956 में जो कंपनी एक्ट था उसके अनुसार कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इश्यू कर सकती थी, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 की यदि हम बात देखें तो इसमें साफ साफ कहा है कि कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती अपने शेयरों को डिस्काउंट पर, तो ये पॉसिबिलिटी केस 3 नहीं है 2013 कंपनी एक्ट के अनुसार। लेकिन यहां पे भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि इस केस में कंपनी डिस्काउंट में केवल और केवल जब ही इशू कर सकती है, लेकिन इस कंपनी एक्ट के अनुसार वही कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसको कर सकती है, फ्रेंड्स कंपनी वैसे तो 2013 कंपनी एक्ट के अनुसार किसी को भी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती, लेकिन वो अगर चाहे तो अपने एम्प्लॉयज को, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, अपने एम्प्लॉयज को वो कंपनी उसकी मेहनत के आधार पे देखते हुए, उसके स्किल्स को देखते हुए कंपनी उसे डिस्काउंट पर शेयर इशू कर सकती है, जिसे कहा जाता है स्विफ्ट इक्विटी शेयर। जी हाँ, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को उसके स्किल के आधार पे, उसकी मेहनत के आधार पे डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बाकी और किसी भी केस में कंपनी 2013 एक्ट के अनुसार, कंपनी एक्ट के अनुसार कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। तो ये हमने केस 3 की बात करी, बाकी केस 1 और केस 2 को हमने समझ लिया, एट पार क्या है, एट प्रीमियम क्या है, एट डिस्काउंट क्या है। बिल्कुल सिंपल, कंपनी अपनी फेस वैल्यू के बराबर यदि सेल करती है तो वो कहा जाएगा एट पार, कंपनी यदि अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पर कोई शेयर सेल करती है वो कहा जाएगा एट प्रीमियम, और यदि अपनी फेस वैल्यू से कम पर बेच दे तो कहलाता है डिस्काउंट। और डिस्काउंट मैंने बताया अलाउ नहीं है 2013 कंपनी एक्ट के अनुसार, केवल कंपनी अपने एम्प्लॉयज को उसके स्किल और उसके मेहनत के आधार पर स्विफ्ट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। अब हम बात करेंगे कि कंपनी यहां पे जो एप्लीकेशंस रिसीव्ड करती है तो किस तरीके से यहां पे सब्सक्रिप्शन रहता है, तो हम सब्सक्रिप्शन को जानेंगे कि सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस क्या रहता है इस इशू ऑफ शेयर्स में। तो इशू ऑफ शेयर्स के अंदर अब हम जानेंगे सब्सक्रिप्शन को। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फिर हम ये जो इशू ऑफ शेयर्स है
ये जो इश्यू ऑफ शेयर्स है इसके अंदर किस तरह हम डिसाइड करते हैं कि ये किस तरह का सब्सक्रिप्शन है, फुल सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है, ये किस तरह से डिसाइड होता है, हम इसको एक चार्ट से समझाएंगे आपको एक एग्जांपल से। फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि एबीसी एक कंपनी है जो कि एक पब्लिक कंपनी है, तो यहां एबीसी पब्लिक कंपनी को ही लेके चलते हैं। ये जो मेरी एबीसी कंपनी है जो कि एक पब्लिक कंपनी है, जी हाँ, और इस कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 शेयर्स, और ये जो उसने 50,000 शेयर इशू किए हैं वो इशू किए हैं पब्लिक में। और फ्रेंड्स, क्योंकि इसने अपने 50,000 शेयर पब्लिक में इशू किए हैं, क्या कंडीशन रहने वाली है सब्सक्रिप्शन की, किस तरह का सब्सक्रिप्शन रहने वाला है वो देखते हैं हम इसे एक टेबल के माध्यम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह का सब्सक्रिप्शन है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ हम केस डिसाइड करेंगे और उन केस को हम स्टडी करेंगे कि किस केस में कौन सा सब्सक्रिप्शन आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कॉलम हमारा रहेगा केस का, यानी कि जो हम केस लेंगे, केस 1, 2, 3। सेकंड होगा हमारा कॉलम नंबर ऑफ शेयर इशूड। यहां फ्रेंड नंबर ऑफ शेयर इशूड से मतेरा मतलब है जो शेयर इशू की, यानी कि जो एप्लीकेशन इनवाइट की गई है पब्लिक को शेयर के लिए, जी हां यहां मेरा मतलब उससे है। और दूसरा जो अगला कॉलम है मेरा, ये है एप्लीकेशन रिसीव्ड, यानी कि जो मैंने शेयर इशू करने के लिए जो एप्लीकेशन इनवाइट की है पब्लिक को, उसमें से कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, इसके लिए है कॉलम। और जो अगला कॉलम है वो है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कितने शेयर अप्लाइड किए गए। और तीसरा है सब्सक्रिप्शन, ये किस तरीके का सब्सक्रिप्शन है, एक कौन सा सब्सक्रिप्शन है, किस तरह। तो इस तरह से मैंने चार कॉलम बनाए हैं, केस, नंबर ऑफ शेयर इशूड, शेयर इशूड से मतलब मेरा ये है कि कितनी एप्लीकेशन इनवाइट की गई है पब्लिक को, एप्लीकेशन सीट उसमें से कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है शेयरों के लिए, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कितने शेयरों के लिए अप्लाइड की गई है एप्लीकेशंस, और सब्सक्रिप्शन वो किस तरीके का सब्सक्रिप्शन है। चलिए समझेगा इसको, सबसे पहले केस वन को यदि हम यहां स्टडी करें। फ्रेंड, केस वन में हम मान लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर एबीसी पब्लिक कंपनी ने इश्यू किए 50,000 शेयर, तो यहां पे हम एबीसी को ही लेके चलते हैं। एबीसी कंपनी ने, हम मान लेते हैं केस वन में 50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, यानी कि कंपनी ने अपने जो नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं 50,000, यहां शेयर इशू से मतलब जो एप्लीकेशन इनवाइट की गई पब्लिक को, जितने शेयर होंगे 50,000 शेयर इशू किए हैं। एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है, यानी कि 50,000 शेयरों के लिए यहां पे एप्लीकेशन इनवाइट की गई थी, और उसमें से एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है वो पूरे के पूरे 50,000 शेयरों के लिए हुई है। तो यहां पे आप एक चीज देख रहे हैं फ्रेंड्स, कंपनी ने 50,000 शेयरों के लिए, 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी, और पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है कंपनी को यहां रिसीव्ड हो रही है, यानी कि पूरे के पूरे शेयर के लिए 50,000 शेयर के लिए जो उसने एप्लीकेशन इनवाइट की थी पूरी की पूरी रिसीव हो रही है ना। तो अगर हम यहां पे कंडीशंस देखें तो हम यहां देखेंगे कि 50,000 शेयर इज इक्वल टू 50,000 शेयर, यानी कि मोटा मोटा हम ये कहें कि नंबर ऑफ शेयर इशूड
इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, यानी जितने शेयरों के लिए इशू किए गए थे, जितने नंबर ऑफ शेयरों के लिए इशू किया गया था उतने के पूरे अप्लाइड हो गए। इसको कहा जाएगा फ्रेंड्स फुल सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, ये कहलाता है फुल सब्सक्रिप्शन। तो आपको मेरा केस वन समझ में आ गया होगा, 50,000 शेयरों के लिए इशू किया गया था, एप्लीकेशन राइट की गई थी पब्लिक को, पूरे के पूरे शेयरों के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई 50,000 शेयर थी, यानी कि यहाँ पे 50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन थी, 50,000 शेयर के लिए पूरी की पूरी अप्लाइड हो गई, और ये कंडीशन जो होगी हमारी फुल सब्सक्रिप्शन की। ठीक, बात करें हम केस टू की, तो फ्रेंड केस टू को यदि हम स्टडी करें तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ शेयर जो इश्यू किए गए वही 50,000, यानी 50,000 शेयर के लिए पब्लिक को इनवाइट किया गया, एप्लीकेशन इनवाइट की गई इनको, और अब की जो एप्लीकेशन हम सेकंड केस मान के चलते कि जो हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई वो रिसीव्ड हुई 70,000 शेयर्स के लिए। जी हाँ, यानी कि एप्लीकेशन ज्यादा आ गई हमारे पास, ज्यादा मतलब 50,000 शेयर के लिए हमने इनवाइट किया था लेकिन हमारे पास 70,000 शेयरों के लिए एप्लीकेशन आ गई, 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। तो यहां पे हम एक चीज देख रहे हैं वो ये कि हम अगर यहां पे बात करें तो कंडीशन हमारी जो रहती है वो ये कि नंबर ऑफ शेयर्ड इशूड जो है हमारे, नंबर ऑफ शेयर्ड इशूड, जो नंबर ऑफ शेयर्ड इशूड है 50,000, ये हमारे लेस देन हो जाते हैं नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, यानी जितने शेयर के लिए अप्लाइड। तो इस केस में यदि हम बात करें यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ शेयर इशू जो हमने किए थे वो हमारे यहाँ कम है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, जितने लोगों ने अप्लाई किया है उससे हमारे जो है जो हमने इशू किए थे वो हमारे कम है, तो उस कंडीशन में ये कहलाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है। मोटा मोटा अगर मैं आपको ये समझाऊं तो वो ये कि 50,000 शेयरों के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की गई थी लेकिन एप्लीकेशन आ गई हमारे पास 70,000 शेयर्स के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ शेयर जो हैं जो हमने इशू किए थे वो यहाँ पे कम है हमारे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड से, तो ये कंडीशन कहलाएगी ओवर सब्सक्रिप्शन। तीसरी कंडीशन की फ्रेंड यदि हम बात करें, थर्ड कंडीशन केस थ्री, वो क्या रहेगा हमारा, चलिए इसको भी जानते हैं, अपने केस थ्री की भी स्टडी करते हैं। फ्रेंड केस थ्री, यदि नंबर ऑफ शेयर इश्यूड किए हैं यानी कि एप्लीकेशन इनवाइट की है 50,000 शेयरों के लिए और एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है सिर्फ 45,000 शेयर्स के लिए। जी हाँ, 45,000 शेयर्स के लिए। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ शेयर इशूड है, नंबर ऑफ शेयर इशूड वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड से। तो जहां पे हम ये देख रहे हैं कि जो हमने जितने एप्लीकेशन इनवाइट की थी वो हमारी यहां पे ज्यादा है जितनी एप्लीकेशन हमने रिसीव हुई है उससे, तो उस कंडीशंस में ये हमारा कहलाया जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, ये कहलाया जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि किन तीन तरह के केसों में किस तरह का सब्सक्रिप्शन होगा। केस वन, 50,000 शेयरों के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी, नंबर ऑफ शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन रिसीव हुई पूरे के पूरे 50,000 शेयरों के लिए, यानी कि इक्विवेलेंट रहा नंबर ऑफ शेयर इशूड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, तो ये केस कराएगा फुल सब्सक्रिप्शन का। केस टू, 50,000 शेयरों के लिए एप्लीकेशन इशू की गई थी लेकिन रिसीव हुई हमें 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस, इट्स मीन यहां पे नंबर ऑफ शेयर जो इशूड थे वो हमारे कम रहे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड से, तो इस केस में कहा जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। और 50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन इशू की गई थी लेकिन हमें जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो कम हुई, यानी कि 45,000 शेयर के लिए हुई, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर इशूड जो थे हमारे जो हमने एप्लीकेशन इनवाइट की थी जितने शेयरों के लिए वो हमारी ज्यादा रही नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड से, यानी कि जितनी हमें
ठीक है सर, रिसीव्ड हुई, उससे हमें ज्यादा रही हमारा नंबर ऑफ शेयर इशू, तो वो कहा जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। ये तीन केस के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह की सब्सक्रिप्शन रहेगी, किन किन केसों में। अब हम देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट किस तरह से रहता है, तो हम समझेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं हम सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट को। जी हाँ, तो हम यहां पे सीखेंगे अब ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। मैंने फ्रेंड्स आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सब्सक्रिप्शन यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर के समय कितने टाइप्स के होते हैं, और मैंने बताया था फर्स्ट था हमारा फुल सब्सक्रिप्शन, सेकंड था हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन, और थर्ड था हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। और मैंने बताया था कि तीनों सब्सक्रिप्शन किन किन केसों में होते हैं, और अब हम इन सब्सक्रिप्शन के ट्रीटमेंट को जानेंगे। इसके लिए मैं एक चार्ट के इस माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट, जो तीनों केस के जो सब्सक्रिप्शन है उनकी ट्रीटमेंट करनी कैसे है इश्यू ऑफ शेयर की कंडीशन में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम एक यहाँ पे चार्ट ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर हम कुछ कॉलम्स क्रिएट करेंगे। पहला कॉलम होगा मेरा फ्रेंड केस का, यानी कि किस केस में कौन सी ट्रीटमेंट करनी है, केस डिसाइड करेंगे इसमें। सेकंड होगा मेरा टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, और थर्ड है ट्रीटमेंट, यानी इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बात करूंगा केस वन, और क्योंकि मेरा केस वन था फुल सब्सक्रिप्शन का। जी हाँ, फुल सब्सक्रिप्शन फ्रेंड्स क्या होता है मैंने आपको बताया, मैं एक बार फिर यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब है, सपोज कीजिए मैंने 1 लाख शेयर इशूड किए और 1 लाख शेयर ही अप्लाइड हो गए, तो ये कंडीशंस कहलाती है फुल सब्सक्रिप्शन की। और फुल सब्सक्रिप्शन में आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मान लेते हैं हम कि 1 लाख शेयर इशू किए हैं एट द रुपीज 10 पर शेयर 10 रुपए का है, हमने 1 लाख शेयर इशू किए हैं 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से सपोज कर लेते हैं। तो इस कंडीशंस में क्या करेंगे हम फुल सब्सक्रिप्शन में फ्रेंड्स, इसके अंदर हम यही करेंगे, इसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो क्या होगी, ऑल शेयर्स अलॉटेड टू एप्लाइकेंट्स, यानी कि ये सभी शेयर अलॉटेड कर दिए जाएंगे एप्लाइकेंट्स को। तो यहां पे जो फुल सब्सक्रिप्शन का केस है, इस केस में सभी शेयर अलॉटेड हो जाएंगे एप्लाइकेंट्स को। और अब बात करें यदि हम सेकंड केस की बात करें, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन फ्रेंड्स, यदि 1 लाख शेयर जो है जो इशू किए 1 लाख शेयर जो इशू किए हैं ये कम रहते हैं, और यहां पे जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो हमें रिसीव्ड हुई है सपोज कर लेते हैं 1,20,000 यानी 1.2 लाख एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो इस केस में ये कहा जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन इशू की गई थी और 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो वो कहा जाएगा हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। और उस केस में हम कैसे ट्रीट करेंगे, यहां पे भी हमारे 3 केस बनते हैं,
इसके अंदर भी हमारे तीन केस बनते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में भी हमारे तीन पार्ट बनते, तीन कंडीशंस हो सकती है। क्या हो सकती है? सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन में देखें तो वो होगी हमारी रिजेक्ट एंड रिफंड, यानी कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई हैं वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी और पैसा वापस कर दिया जाएगा। 1,00,000 शेयर के लिए इशू किए थे, 1.2 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। उस केस में क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा हमारे पास जो 20,000 एक्स्ट्रा, जो हमारे पास 20,000 ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई हैं, एक्स्ट्रा ये 20,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन यहां रिजेक्ट कर दी जाएंगी। तो यहां पे किस कैसे ट्रीटमेंट होगा फ्रेंड्स, जो 1,00,000 शेयर है, यानी 1,00,000 शेयर के लिए फुल अलॉटमेंट हो जाएगी, यानी कि फुल अलॉटेड हो जाएंगे, और जो 20,000 हमारे एक्स्ट्रा शेयर्स हैं जिसके लिए एप्लीकेशन आई है वो रिफंड हो जाएंगे और रिजेक्ट, या कह सकते हैं हम इसको रिजेक्ट एंड रिफंड, रिजेक्ट एंड रिफंड हो जाएगा। जो 20,000 शेयर्स के लिए जो एक्स्ट्रा मैप एप्लीकेशन आ गई है वो 20,000 शेयर्स जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन को, और उनका पैसा उन्हें वापस कर दिया जाएगा। तो ये कंडीशन हो सकती है। इसी ओवर सब्सक्रिप्शन में इसका सेकेंड कंडीशन भी हो सकती है फ्रेंड्स, यानी कि प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट या कह सकते हैं प्रपोस्टेड अलॉटमेंट, तो हम यहां पे प्रोराटा ही बोलेंगे इसको भी, प्रोराटा अलॉटमेंट पे। ये प्रोराटा अलॉटमेंट्स क्या होती है फ्रेंड्स, प्रोराटा अलॉटमेंट्स जिसके अंदर सभी को कुछ ना कुछ शेयर अलॉटेड किए जाते हैं, यानी यहां पे सबको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, वो कहलाता है प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट के अंदर हम इसको एक एग्जांपल से यदि समझाएं तो जो 12 रुपए के शेयर, 12 रुपए के जो शेयर हमारे अप्लाइड थे, यहां पे 10 रुपए शेयर में अलॉटमेंट कर दी गई, यानी कि सभी को कुछ ना कुछ मिल सके इसके लिए 12 रुपए शेयर के लिए जो अप्लाइड किया गया था वहां पे उसे 10 रुपए शेयर में उसको अलॉटमेंट कर दिया गया। और यहां पे यानी कि हम कह सकते हैं कि 1.2 लाख शेयर में सिर्फ 1 लाख शेयर ही अलॉटेड हुए। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स यहां पे बस जानने की जरूरत है कि मैंने बताया कि यहां पे प्रोराटा अलॉटमेंट में सिर्फ इतना ही फर्क है कि प्रोराटा अलॉटमेंट के अंदर सभी को कुछ ना कुछ मिल जाए, यानी ज्यादातर लोगों को अलॉटेड हो जाए। उसके लिए यहां पे मैंने एग्जांपल दिया कि मान लो 12 रुपए शेयर से अप्लाई किया था लेकिन 10 रुपए शेयर पे अलॉटमेंट कर दी गई ताकि सभी को कुछ ना कुछ यहां मिल सके। और दूसरे शब्दों में हम कहें कि 1.2 लाख शेयर में से केवल 1,00,000 शेयर ही अलॉटेड किए गए। तो ये यहां पे कुछ प्रोराटा बेस पे होगा अलॉटमेंट इसका। और तीसरा हो सकता है, थर्ड कंडीशन जो हो सकती है इसके लिए ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए वो क्या हो सकती है उसको भी जान लेते हैं। यानी थर्ड कंडीशन में यदि हम बात करें, फर्स्ट कंडीशन प्लस सेकंड कंडीशन, यानी कि जिसके अंदर रिजेक्ट एंड प्रोराटा दोनों ऐड है, रिजेक्ट प्लस प्रोराटा दोनों ऐड हो, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दे तो हमारी थर्ड कंडीशन यहां जनरेट हो जाती है। और इसमें ट्रीटमेंट कैसे होता है फ्रेंड इसको भी हम जानेंगे, नंबर ऑफ शेयर इसको भी हम एक चार्ट से समझाएंगे आपको। जैसे सपोज कीजिए
यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ शेयर की। तो नंबर ऑफ जो शेयर्स है इसको हम चार्ट से समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें हम देखेंगे कि जो अप्लाइड किया गया है और अलॉट किया गया है। यहाँ हमने दो कॉलम बनाए हैं, अप्लाइड और अलॉटमेंट। अलॉटमेंट तो फ्रेंड्स यहां पे हम देखेंगे अप्लाइड किया 10,000 लोगों ने, इजेक्शन के केस में देख रहे हैं हम, यहां पे 10,000 लोगों ने अप्लाइड किया था और उनको यहां निल यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया। 10,000 लोगों को निल यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया और 110,000 लोगों ने जो अप्लाइड किया था उसमें से सिर्फ 1,00,000 लोगों को ही, 1,00,000 लोगों को ही सिर्फ यहां पे अलॉटमेंट हुई। यानी कि हम बात करें यहां पे थर्ड केस की तो इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया गया है, रिजेक्ट प्लस प्रोराटा दोनों को ऐड करके हमारी थर्ड कंडीशन क्रिएट होती है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। कि नंबर ऑफ शेयर्स के यदि हम चार से देखें तो अप्लाइड किया यहां सपोज कीजिए 10,000, उस 10,000 को हमने यहां निल दिखाया यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया एप्लीकेशन को, और जो 110,000 यानी कि 120,000 में से 10,000 तो हमारी रिजेक्ट हो गई, निल हो गया, और जो 110,000 उसमें से 1,00,000 लोगों को अलॉटमेंट की गई। तो ये जो केस होगा हमारा रिजेक्ट प्लस प्रोराटा दोनों केस पर आधारित होगा। तो ये तीन कंडीशन हो सकती है हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। अब हम जानेंगे एक तीसरा केस यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन। तो चलिए देखते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन केस में किस तरह से ट्रीटमेंट होता है सब्सक्रिप्शन का। आइए चलिए सीखते हैं केस थ्री में अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर ट्रीटमेंट। तो यहां पे मेरा जो केस थ्री है फ्रेंड्स वो अंडर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, अंडर सब्सक्रिप्शन। इस केस थ्री के अंदर हम ट्रीटमेंट सीखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर किस तरह से होता है इसका ट्रीटमेंट। अंडर सब्सक्रिप्शन पे जाने से पहले फ्रेंड्स एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में, क्योंकि सेबी जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने ये डिसाइड करा है कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन जहां पे आता है तो उस केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायर्ड होगी। ओनली थर्ड केस यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायर्ड होगी। और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगा फ्रेंड्स इसको भी समझ लेते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं कि हमने 1,00,000 शेयर इशू किए, और ये जो 1,00,000 शेयर जो इशू किए हैं ये हमारे यदि जो इशू मतलब जो हमने पब्लिक में एप्लीकेशन इनवाइट करी है 1,00,000 शेयर के लिए, वो जो है यदि हमारी ग्रेटर रहती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन से। फिर बात आ रही है यहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मैंने बताया कि सेबी ने कहा है कि अंडर सब्सक्रिप्शन के इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होगी, जरूर होगी। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90% ऑफ नंबर ऑफ शेयर इशू, यानी कि जितने शेयर इशू किए गए यानी कि जितनी एप्लीकेशन इनवाइट की गई है पब्लिक को उतने शेयर का 90% जो होगा वो होगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यहां पे जो इनवाइट की गई है एप्लीकेशंस वो है 1,00,000 शेयर्स के लिए, और 1,00,000 शेयर्स का हमारा हो जाएगा 90%, ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा फ्रेंड्स 90,000 शेयर। तो जो ये हमारे 90,000 शेयर्स हैं यही होगी हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये 90,000 शेयर्स होगा मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, और ये जो मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ये मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहां पे हम पुट करेंगे, यानी कि 1,00,000 शेयर जो इशू किए हैं यदि ये ग्रेटर रहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि 90,000 से, तो इन दैट केस हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। यहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू या लेस देन रहते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड से, यानी कि जितनी एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुई है यदि ये इससे
जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो बराबर रहता है या कम रहता है एप्लीकेशन जो हमें रिसीव हुई है उससे, तो उस केस में पूरे के पूरे अलॉटेड होंगे, पूरे के पूरे अलॉटेड हो जाएंगे। और यहां पे जब पूरे के पूरे अलॉटेड होंगे तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो हमारा इज इक्वल टू होगा, यानी कि 90,000 जो शेयर हैं वो हमारे इज इक्वल टू होंगे 90,000 शेयर जो हमें रिसीव हुए हैं, यानी कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारे 90,000 शेयर्स हैं वो इज इक्वल टू होंगे जितनी एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई, यानी कि पूरी पूरी यदि हम 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो इस केस में फुल अलॉटेड होंगे। इसी के अंदर यदि मैं बी केस की बात करूं, अंडर सब्सक्रिप्शन के बी केस की, यानी कि 1,00,000 शेयर जो इशूड हुए हैं यदि वो ग्रेटर रहते हैं 95,000 से, यहां शेयर्स लगा देंगे 95, यानी 1,00,000 शेयर के लिए, हाँ 1,00,000 शेयर के लिए हमने इशूड किया था और यहां पे 95,000 शेयर्स से ये ज्यादा रहते हैं जो हमारे नंबर ऑफ इशूड शेयर हैं, तो यहां पे यदि हम देखते हैं ट्रीटमेंट इसका तो कुछ इस तरह से होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेस देन एप्लीकेशंस रिसीव्ड, यानी कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन थी 90,000 शेयर्स की, यहां पे वो लेस देन दिख रही है जितनी एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है 95,000 शेयर्स के लिए, तो इस केस में भी क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम है हमारी जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उससे, तो इस केस में भी पूरे के पूरे अलॉटेड हो जाएंगे। यहां भी अलॉटेड कर सकते हैं हम, ठीक। सी केस की यदि बात करें, यदि 1,00,000 शेयर जो हमने इशूड किए हैं यदि ये लेस देन रहते हैं, जी हाँ यदि ये लेस देन रहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन फ्रेंड कितनी है 90,000, तो इससे यदि कम रहते हैं, मान लेते हैं हम इससे सपोज करिए 80,000, यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ही कम है, तो यहां पर यदि हम देखें तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ग्रेटर देन एप्लीकेशन रिसीव्ड देन नो अलॉटेड, यानी कि कुछ भी अलॉट नहीं होगा। यहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारा जो है 90,000 है, तो 90,000 जो शेयर है ये यहां पे हम देख रहे हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है ग्रेटर देन हो गया, एप्लीकेशन रिसीव हुई है कुल मुझे 80,000 शेयर्स के लिए, तो इन दैट केस, इस केस में कोई भी शेयर की अलॉटमेंट नहीं होगी, क्योंकि यहां पे सेबी ने जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायर्ड रखी थी वो इसीलिए रखी थी कि यदि इससे कम एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है तो फिर वहां किसी भी शेयर की अलॉटमेंट नहीं होगी, उस केस में सभी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी और टोटल अमाउंट जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा पब्लिक को। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि यहां मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसीलिए रखा गया था कि यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है हमारी ज्यादा रहती है एप्लीकेशन रिसीव से, यानी कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% डिसाइड की गई है टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड की, यदि वो ग्रेटर होती है एप्लीकेशन रिसीव से, यानी कि जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो कम हुई है मिनिमम सब्सक्रिप्शन से, तो उस केस में कोई भी अलॉटमेंट नहीं होगी और पूरा का पूरा जो है पैसा टोटल अमाउंट वो रिफंड किया जाएगा पब्लिक को। तो इस तीन केस मैंने बताया आपको अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर, पहला केस था मेरा यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू रहती है, लेस देन रहती है एप्लीकेशन रिसीव से तो वहां पे फुल अलॉटेड होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन यदि लेस रहती है एप्लीकेशन रिसीव से, यानी कि एप्लीकेशन ज्यादा आ गई 95,000 शेयर्स की तो भी फुल अलॉटेड होंगे, यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है एप्लीकेशन रिसीव से, यानी कि एप्लीकेशन हमें कम प्राप्त हुई है और जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायर्ड है वो 90,000 की है, तो इन दैट केस कुछ भी अलॉटेड नहीं किया जाएगा, कोई भी शेयर अलॉटेड नहीं किए जाएंगे, पूरा का पूरा जो टोटल अमाउंट है वो पब्लिक को रिफंड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अंडर सब्सक्रिप्शन ट्रीटमेंट थी और मुझे ये आशा है कि आपको मेरा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए हमने वीडियो बनाया था ताकि उनको ये चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स का अच्छे से समझ में आ सके।
हमारा नेक्स्ट अपडेट वीडियो होगा इसी इश्यू ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्री से रिलेटेड। तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे वीडियो को यदि पसंद आता है लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड्सों को ये शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ये वीडियो, ताकि उनको भी अपडेट वीडियो प्राप्त होकर अपडेट जानकारी मिल सके और हमारे नेक्स्ट अपडेट वीडियो देख सके। इसके लिए आपको भी बेल आइकन प्रेस जरूर करना है फ्रेंड्स, ताकि हमारे और भी आने वाले जो मैंने जैसा बताया हमारा नेक्स्ट अपडेट वीडियो होगा जनरल एंट्री इसी इश्यू ऑफ शेयर्स रिलेटेड, उसको भी आप यदि देखना चाहते हैं तो हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।